हेलो एवरीवन, आज हम जो मेटा का शेयर का एनालिसिस कर रहे हैं। तो लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें एक 13% का इसमें एक जंप देखने को मिला था। ये प्रीवियस एक मंथ का इसका जो भी प्राइजेक्शन है वो दिख रहा है सामने यहाँ पे। सो हम इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेंगे और क्या ट्रेंड बन रहा है। तो पहले आप डेली चार्ट में और उसके बाद में आर्ली चार्ट में, दोनों में हम इसको देख रहे हैं क्या लेवल्स आ रहे हैं। सो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं इसका डेली चार्ट पे। देखिए, ये हमारा स्टोकेस्टिक और आरएसआई है, दोनों में इसका शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों में इसका पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है। सो कल इसका एक रेजिस्टेंस था यहाँ की, जहाँ पे ये पिछले 3-4 महीने में इसको क्रॉस नहीं कर पाया था। देखिए, ये एक अगस्त में था और ये एक बार अक्टूबर में, ठीक है, 70 के आसपास। अभी फ़िलहाल इसको क्रॉस किया है, ठीक है, और ये डेली चार्ट में हम देख रहे हैं कि 70 के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा वॉल्यूम था, ठीक है। और इसका जो आवरली चार्ट देखते हैं, आवरली चार्ट में भी देखिए आप, आवरली चार्ट में भी आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। स्टोकेस्टिक और आरएसआई दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। और इसमें जो इसका प्रीवियस हाई जो लो है, जो ये देखिए यहाँ पे एक, सो हम पहले इसका सपोर्ट का देख लेते हैं, सपोर्ट कहाँ कहाँ बन रहा है। सपोर्ट का जो इमीडिएट जो नज़र आ रहा है आपका आर्ली चार्ट में, फर्स्ट इसका सपोर्ट है 69 के आसपास। देखिए यहाँ पे 69 के आसपास इसने एक सपोर्ट लिया था और एक पहले भी एक बार जो रेजिस्टेंस बना 69 के आसपास। सो हम इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है, सपोर्ट जो है 69, एंड देन सेकेंड आएगा आपका यहाँ पे 65 के आसपास, 5 या 6 बोल सकते हो, 65 के आसपास एक दूसरा सपोर्ट आएगा। तो ये दो सपोर्ट लेके हम इसका टारगेट देख सकते हैं। टारगेट आप डेली चार्ट में देखिए, इसका टारगेट आएगा, फर्स्ट जो टारगेट आ रहा है आपका वो आ रहा है करीब 78 का, ठीक है, और सेकंड जो टारगेट आएगा वो आपका यहाँ कहीं आएगा 88 के। सो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में इसके दो टारगेट देख लिए हमने, 78 और 88 के अराउंड, ठीक है। इमीडिएट सपोर्ट है इसका 68, देन 65। तो हमको अगर करंट लेवल पे बाई करते हैं तो हमको एसएल रखना है 68-69 के आसपास, ठीक है। और टारगेट हमारा पहला होगा 78, नेक्स्ट टारगेट होगा 88, ठीक है। तो ये है आपका जोमेटो एनालिसिस, ठीक है। थैंक यू।